ईवीएम अगर आएगी तो ईवीएम टूटेगी, हम ईवीएम में वोट नहीं डालेंगे, डरा डाल रबड़ी को हर बच्चा। सरकार ने कितनी बड़ी रोक के लगा रखी है, सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, रोक लगाओ, किसान को दिल्ली में, मजदूर को दिल्ली में ना जाने दो, मगर हम जाएंगे, जो साथी साथ देंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं देंगे वो बाद में आ जाएंगे, चलेंगे सभी साथी, बच्चा बच्चा चलेगा, दिल्ली का अब छोटा ग्राव नहीं होगा। इस बार पहले से पहले 18 लाख आदमियों ने 28 नवंबर को दिल्ली घेरी थी, अब 36 लाख होंगे। ये ना सोचे सरकार भी ये किसान इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है, हमने भी सरकार को देखना था इतने दिन क्या करती है। इस बार कफन बांध के जाएंगे, कोई कहीं पे कोई रोक नहीं रुकने देंगे, सभी रोके थोड़ा छोटे छोटे हमारी निगाह में तो छोटे छोटे डड़िया हैं। और अकेला बॉर्डर हरियाणा का जाम नहीं किया, यूपी से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा के बॉर्डर के साथ साथ हरियाणा के अंदर दिल्ली तक सरकार ने अपने बैरिकेड लगा दिए हैं, प्रशासन ने अपने बैरिकेड लगा दिए हैं, और किसानों ने वहां तक अपने टेंट लगा दिए हैं, लंगर लगा दिए हैं, और 10,000 आदमियों का डाबाड़ी में हमने लंगर का इंतजाम रखा है, जहाँ डाबाड़ी से कम से कम डाबाड़ी से 3,000 ट्रैक्टर 4,000 राजस्थान और पंजाब का आएगा डाबाड़ी बॉर्डर पे, और 2,000 ट्रैक्टर डाबाड़ी से चलेगा, जो उनका साथी संसद तक जाएंगे। जी अंकल जी, अभी कुछ पहले एक दो दिन पहले वीडियो आई थी कटकट टोल प्लाजा से, वहाँ पर उन्होंने साथियों ने कहा हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, ये हमारा निर्णय नहीं है, उनके बारे में। हम पहले भी ऐसे लड़े थे, टोलों पर भी बैठे थे हमारे साथी, जिन्होंने टोलों पे बैठने की ड्यूटी लगेगी वो टोलों पे लगेगी, जिनकी दफ्तरों पे लगेगी दफ्तरों पे लगेगी, जिनकी जियो के गोडाउनों पे लगेगी डीओ के गोडाउनों पे लगेगी, सब जगह पे सरकार को हर स्थान पे घेरेंगे, मगर दिल्ली जाएंगे वो अलग होंगे, जो यहाँ होंगे वो अलग होंगे, सभी तहाँ से चलेगा। पहले भी रिजर्व फोर्स है ना हमारी किसान की, सभी जगह चलेगी। एक सवाल और है मेरा आपसे, इसमें सभी ने योगदान दिया, पहले जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था उसमें मजदूर ने भी हर वर्ग ने आपका साथ दिया, लेकिन कुछ किसान उसमें जो लापता हुए थे आज लग उनका पता नहीं, उनके जो उनके बच्चे हैं वो आज तरस रहे हैं मेरा पिताजी कब आएगा, जो उसकी पत्नी वो तरस रही है कि मेरा पति कब आएगा, उनका आज तक सरकार ने या ना तो ये पता लगा कि वो जिंदा भी है या मर चुके हैं। कुछ एक जगह मैं भी गया था, राजवीर सिंह है मांडी का, उसका ये नहीं पता आज तक वो जिंदा है या मर चुका, आज भी उसके जो बेटे हैं छोटे छोटे वो ये देख रहे हैं हमारा पिता आएगा या नहीं आएगा। जो किसान आंदोलन का था, अगर ऐसा हादसा होता तो आपका किसान आंदोलन उसके साथ क्या होता? जो कमेटी वहाँ 40 मेंबरी बनी थी और जो साथी आए थे, जो एक सेकंड जो साथी हमारा एक भी गुम था, और 6 साथी हरियाणा के जिनका कंपनसेशन नहीं आया था, उसकी लड़ाई आज भी सरकार के साथ चल रही है। बस सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इतनी नकम्मी सरकार है, किसान को ख़त्म, गरीब को ख़त्म, मजदूर को ख़त्म, रेड़ी फेड़ी वाले को ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ अडानी अवानी को बचाना चाहती है, ये किसी का इसको फिक्र नहीं। हम अपने तौर पर देखो, यूपी में जो 5 किसान ट्रैक्टरों के नीचे, जीपों, गाड़ियों के नीचे दे के मारे गए, उनका कंपनसेशन कहाँ दिया है? जख्मियों को 10 लाख देना कराया था, कहाँ दिया है? उनके जो दोषी थे वो आज तक सजा में, हमारी बेटियों की इतनी बेपती करी है, इतनी बेपती करी है, खिलाड़ी बेटियों की करी है, 60 बच्चे उचाणा के आपके साथ, उचाणा के 60 बच्चे 60 लड़कियां का शोषण हुआ है, क्या किया सरकार ने? इससे नकम्मी सरकार ना आई है ना आएगी, जब तक ये सरकार ऐसे हमारा शोषण करती रहेगी हम सरकार का विरोध करते रहेंगे, और सभी इसी रोष के कारण अब ये दूसरी बार दिल्ली को किसान चला है, और कोई नहीं। जी अंकल जी, एक सवाल हो, जैसे नीलम आजाद थी, क्या उसका मुद्दा भी इसके अंदर रहेगा? बिल्कुल, नीलम आजाद का मुद्दा नहीं, नीलम के साथ 5 लड़के और हैं, अगर नीलम के साथ 5 लड़के हो रहे हैं, मुद्दा नहीं चलेगा। अगर उनके साथ ऐसा, उनको जैसे टारगेट किया गया है, उनको जैसे, उनको बिजलियां लगाई गई हैं, बिजली के करंट लगाए गए हैं, वो हमारी आत्मा जानती है, अभी हमारे बच्चों को कितना दुख दिया गया है, उसके लिए भी हम इस आंदोलन में बहुत बड़ा, उनका जो उनके साथ अन्याय हुआ उसके साथ हम सरकार के साथ पूरे जोर शोर से खड़ेंगे। अंकल जी, आखिरी एक छोटा सा सवाल है, क्या ईवीएम का भी इसमें मुद्दा ले होगी आप? हैं जी, ईवीएम जब तक रहेगी तब तक हम गुलाम रहेंगे मोदी सरकार की, ईवीएम जाएगी
तो हमारी गुलामी टूटेगी नहीं, हम गुलाम हैं। आप इसमें विरोध करते हो इसका? हम डट के खुल के, और 14 तारीख का हमने प्रोग्राम रखा था डबवाली में, पूरा प्रोग्राम करना था, ऑल हरियाणा में हो रहे हैं, सरसा जिला में 18 को 19 को 17 को जगह जगह विरोध होंगे, ऑल इंडिया पे इस विरोध को फैला देंगे। इस बार ईवीएम अगर आएगी तो ईवीएम टूटेगी, हम ईवीएम में वोट नहीं डालेंगे, डड़ा डालेंगे जी। देखिए, जो किसानों ने आज मीटिंग में रह रखी और क्या इनके मुद्दे थे वो आपने सुने, देखते रहिए हमारा चैनल।